हल्द्वानी में बनभुलपुरा से चंद कदम दूर शहर का एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत कुछ अराजक तत्वों ने होली ग्राउंड में लगी भक्त प्रहलाद की मूर्ति को कलखंडित करने का एक बड़ा आरोप लगाया गया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा होने लगी और थोड़ी ही देर में ये भीड़ हंगामे में तब्दील हो गई। दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस बीच हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग वहां पर जिन्होंने बाजार से समुदाय विशेष के लोगों के ठेले हटाने शुरू कर दिए। इससे तनाव चरम पर पहुंच गया। उधर बनभुलपुरा से चंद कदम दूर हंगामा होता देख सब्जी मंडी से भी दूसरे समुदाय विशेष के लोग एकत्रित होने लगे और दोनों पक्षों की आपस में बहस शुरू हो गई। इस बीच भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। कई थानों की पुलिस बुलाई गई। पुलिस पर प्रेशर पड़ गया कि प्रहलाद की मूर्ति को तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हिंदूवादी लोगों का कहना था कि ये समुदाय विशेष की हरकत है। बढ़ते तनाव के बीच पुलिस ने भी महज 8 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया और जब आरोपी पकड़ा गया तो जो सच्चाई सामने आई इसके बाद हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों का आरोप निराधार और बिल्कुल गलत था। पूरे मामले पर खुलासा करते हुए कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि होली मैदान पर कुछ समय पहले ही गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन हुआ। यहां पर गणेश मूर्ति स्थापित की गई थी और भव्य टेंट लगाया गया था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब मजदूर टेंट खोल रहे थे तभी टेंट के टकराने से पिलर पर रखी भक्त प्रहलाद की मूर्ति जमीन पर गिरकर खंडित हो गई। मजदूर ने मूर्ति को एक किनारे पर रख दिया और सभी चले गए। इस बीच अचानक से कल मूर्ति खंडित होने की खबर फैली तो रात तक हिंदूवादी संगठन बड़ी संख्या में होली मैदान पर एकत्रित हो गए। उन्होंने समुदाय विशेष पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हंगामे के बीच देर रात दूसरे समुदाय के लोग भी भारी संख्या पर सड़क पर उतर आए। दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। कई थाने चौकियों का पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में इस कदर जुटी कि 8 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्त में ले लिया। कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि बिहार के दरभंगा निवासी सोनू कुमार यादव, जो कि हल्द्वानी में टेंट कारोबारी के यहां पर मजदूरी करता है, उसने होली चौक से टेंट उतारा और इस दौरान गलती से उससे भक्त प्रहलाद की मूर्ति टूट गई। मजदूर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसीलिए उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया। लेकिन अब प्रशासन ने एक सख्त नियम बना दिया है कि होली ग्राउंड के चारों ओर अब कोई ठेला फंड नहीं लगेगा। नगर निगम यहां पर अपनी टीम खड़ी करेगा। यहां ठेले लगाने वालों पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कहा है कि एक टीम यहां पर लगातार तैनात रहेगी। होली ग्राउंड के चारों ओर नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। ठेला लगने पर ठेले को जब्त कर लिया जाएगा। क्या आरोपी ने क्या किस समुदाय का आरोपी है, कुछ पता चला है सर? देखिए, आरोपी जो टेंट हाउस के मालिक है हरीश चंद्र जोशी जी, उन्हीं का वर्कर है, लेबर है, ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है, सोनू कुमार यादव इसका नाम है। उसने पूछताछ में कबूल किया कि बल्ली निकालते समय वो गलती से हिट हो गया था, जिसके कारण उसके नीचे गिर गई थी और उसने उसको मूर्ति को नीचे पिलर के पास रखा। देखिए, जो भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसमें कल पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करा दी गई थी और उसके बाद आज केस को वर्कआउट कर दिया गया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है वो पुलिस अभिरक्षा में है। कुछ और बिंदु थे जो सुरक्षा से संबंधित थे, जो CCTV यहाँ पर स्थापित किए जाने हैं उसका निर्णय लिया गया है। साथ ही होली ग्राउंड, जो कि एक धार्मिक महत्व और समाज के लोगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके चारों ओर को क्षेत्र को नगर निगम के द्वारा नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया। तो आपको याद ही होगा कि साल की शुरुआत में ही दंगे की आग में करीब 2 हफ्ते तक जले बनभुलपुरा से सबक ले लिया गया है। यही वजह रही कि एक बार फिर से शहर में बवाल होने के पहले ही ये साजिश नाकाम हो गई। मूर्ति खंडित होने की खबर जैसे ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंची, सभी अलर्ट मोड पर आ गए, पूरा मामला संभाल लिया और शांत कर दिया। क्योंकि एक गलत सूचना भी बड़ा मामला बनते देर नहीं लगती, ये खबर उसका सीधा उदाहरण है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं।